हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी, आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी डेली बेसिस पर बेहतरीन तैयारी हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आर्टिकल से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल रूल्स फैक्ट्स हमने अभी तक जाने हैं, और कुछ रूल्स आर्टिकल ए और एन को लेकर हमने डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मोर रूल्स, जो कि हम देखेंगे आर्टिकल ए और एन और आर्टिकल द के बारे में। आज का हमारा पहला रूल क्या है, रूल नंबर 9 है। 8 अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। आर्टिकल रूल नंबर 9 है, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर मोस्ट, यानी आर्टिकल ए जो है इनडेफिनेट आर्टिकल, वो मोस्ट से पहले भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब? व्हेन इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी, जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में किया जाता है, उस वक्त मोस्ट से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से समझिए क्या बात कही गई, कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए जो है इसका प्रयोग मोस्ट से पहले भी किया जाता है। कब? जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के सेंस में हो। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज अ मोस्ट हैंडसम बॉय, यानी वह एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। अब यहाँ मोस्ट का प्रयोग वेरी के सेंस में हुआ है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दैट वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल, वो क्या है, एक बहुत ही दिलचस्प मजेदार नॉवल थी। नॉवल थी मतलब उपन्यास थी। तो अब देखिए, दैट वॉज अ मोस्ट, मोस्ट से पहले ए का प्रयोग किया गया है आर्टिकल ए का, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि मोस्ट का प्रयोग यहां पर वेरी के अर्थ में किया गया है। तो यह था हमारा रूल नंबर 9, के मोस्ट से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट जब वेरी के अर्थ में प्रयोग होगा तो उससे पहले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह था रूल नंबर 9। अगले रूल को देखते हैं, रूल नंबर 10 क्या है। रूल नंबर 10 है कि इस स्ट्रक्चर में भी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जो कि आर्टिकल ए और एन है। दोनों की आइडेंटिटी इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाती है। एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। इससे पहले भी इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। बोथ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्सन और थिंग, जब दोनों एडजेक्टिव का प्रयोग किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव, एंड कंजंक्शन व्हाइट एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव हो गए एंड से जुड़े हुए, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन काउ हो गया। अब इससे पहले हमने प्रयोग किया है आर्टिकल ए का, अर्थ क्या बना वाक्य का, एक ही गाय जो काली और सफेद है, मतलब एक ही नाउन के बारे में बात हो रही है जिसकी दो विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता से पहले, पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, एंड ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, अर्थ देखिए, एक ही शिक्षक जो ईमानदार और तेज है, यानी एक ही नाउन है टीचर, जिसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो ईमानदारी ऑनेस्टी और दूसरा इंटेलिजेंसी, यानी कि उसकी बुद्धिमानी। तो यहां दो विशेषताएं हैं एक ही नाउन की। जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, तो पहला जो एडजेक्टिव होगा, पहला जो विशेषण होगा, पहली जो विशेषता होगी, उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। हमने यहां पर एन का प्रयोग किया है, क्योंकि ऑनेस्ट एक, ऑनेस्ट में पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट पहला अक्षर है, लेकिन पहला साउंड कौन सा है, वोवेल साउंड है, इसलिए हमने यहां पर एन का प्रयोग किया है। एन और ए का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, कब किया जाएगा, अगर आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप हमारी आर्टिकल सीरीज की जो प्लेलिस्ट वीडियो है, वहां पर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हमने इस बारे में हर तरह के रूल्स को कवर किया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ रेड एंड ब्लैक शर्ट, एक ही शर्ट
एक ही कमीज जो लाल और काली है। अब यहाँ पर शर्ट एक नाउन है और रेड एंड ब्लैक क्या है, दो एडजेक्टिव है। तो दोनों में से जो पहला है उसके पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, एक ही लड़का जो लंबा और सुंदर है। बॉय एक नाउन है जिसकी दो विशेषताएं यहाँ पर, टॉल एंड हैंडसम। तो पहला जो एडजेक्टिव है उससे पहले हमने ए का प्रयोग किया है। तो रूल नंबर 10 क्या हुआ कि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हो और इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया हो, ऐसी संज्ञा जो गिनी जा सकती हो और एकवचन हो, तो इससे पहले हम सबसे पहले जो एडजेक्टिव होगा, पहला जो विशेषण होगा, पहला जो वर्ड होगा जिससे नाउन की विशेषता का पता चलता, उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यह था आज का हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 11 क्या है, ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां में प्लस एंड भी है, एंड से दोनों एडजेक्टिव जुड़े हुए हो और दोनों के बीच में एंड लगा हो और दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इस तरीके से भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बोथ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, दोनों एडजेक्टिव्स दोनों विशेषण प्रयोग किए गए हो दो अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए, तब हम दोनों से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ, दो गाय जिनमें एक काली और दूसरी सफेद है। दो गाय जिनमें एक काली और दूसरी सफेद है, मतलब जो काउ है वो दो है और दोनों की एक एक विशेषता यहाँ पर बयान हुई है। इससे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर काउ दो है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगर पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता और सेकंड एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तो मतलब काउ सिंगल काउ की बात हो रही है और उसकी दो विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में अभी पढ़ा है। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, दो शिक्षक जिनमें एक ईमानदार और दूसरा तेज है। तो यहाँ पर दो टीचर्स की बात हो रही है जिसमें एक ईमानदार है और दूसरा इंटेलिजेंट है। दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है, इससे हमें पता चलेगा कि दो टीचर की बात यहाँ पर हो रही है, दो नाउन की दो सब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, यहाँ पे ए स्किप हो गया है, लेकिन आप नोट बनाते वक्त इसको लिख लीजिएगा, अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट, दो कमीज जिनमें एक लाल और दूसरा काला है। दो कमीज जिनमें एक लाल और दूसरा काला है, तो यहाँ पर दो शर्ट की बात हो रही है और दोनों एडजेक्टिव दोनों शर्टों के लिए प्रयोग किए गए हैं, दोनों शर्ट्स के लिए प्रयोग किए गए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, दो लड़के जिनमें एक लंबा और दूसरा सुंदर है। यहाँ पर दो लड़कों की बात की गई है, टू बॉयज की बात की गई है, दो नाउन है, दो सब्जेक्ट है और दोनों एडजेक्टिव दोनों की एक एक विशेषता बता रहे हैं, इसलिए दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हुए हो और उन दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, तो आपको समझना है कि ये दोनों एडजेक्टिव दो पर्संस या वस्तुओं के बारे में, यानी कि विशेषता बता रहे हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशेषता नहीं बता रहे हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 11। नोट देखिए आप, द प्लस एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी इस वाले स्ट्रक्चर से पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग होता है। बोथ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर सिंगल पर्सन और थिंग, यानी दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हुए हैं, तब हम द का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द रेड एंड व्हाइट रोज लुक्स ब्यूटिफुल, लाल और सफेद गुलाब खूबसूरत नजर आता है, खूबसूरत लगता है, ब्यूटिफुल लगता है। सेकेंड देखिए, द प्लस एडजेक्टिव प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, द रेड एंड द व्हाइट रोज लुक ब्यूटिफुल, यानी कि लाल गुलाब और सफेद गुलाब
खूबसूरत नजर आते हैं या खूबसूरत लगते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या बात समझ में आई है कि जब फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया तो वो एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो विशेषताएं थी, और जब दोनों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया तो मतलब दो सब्जेक्ट है, दो नाउन है, उन दोनों की अलग अलग विशेषताएं जिनके बारे में यहां पर बताया गया है। यह था हमारा नोट। अगला रूल देखते हैं आज का हम, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या है? आर्टिकल ए और एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब दो नाउन है और दोनों कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनसे पहले भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर यूज्ड फॉर सेम पर्सन और थिंग। अब एक फर्क यहां पर आपको याद रखना है, दो सब्जेक्ट नजर आने में दो सब्जेक्ट हैं और अलग अलग भी लिखे गए हैं, लेकिन अगर पहले वाले से पहले, मतलब पहला जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले से पहले नहीं हुआ है, तो आपको क्या समझना है कि ये एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले दो शब्द हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, अ क्लर्क एंड कैशियर, एक ही व्यक्ति जो किरानी और खजांची दोनों है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो क्लर्क भी है और कैशियर भी है। देखिए, क्लर्क एक नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैशियर भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन आर्टिकल ए का प्रयोग किससे पहले हुआ है? फर्स्ट नाउन से पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले। तो आपको समझना है कि क्लर्क एंड कैशियर बोथ आर सेम पर्सन, दोनों एक ही व्यक्ति है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एन अंकल एंड गार्डियन, एक ही व्यक्ति जो चाचा और अभिभावक दोनों है। यहां पर अंकल एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, गार्डियन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एन का प्रयोग कहां पर हुआ है? अंकल से पहले और गार्डियन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ अंकल गार्डियन दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ये वाला स्ट्रक्चर SSC एग्जाम्स में पूछा भी गया है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जरूर याद रखना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो एंड से जुड़े हुए और फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ हो तो आपको दोनों सब्जेक्ट को या तो एक ही व्यक्ति मानना होगा या फिर एक ही थिंग मानना होगा और उसी के मुताबिक आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड एक इशू है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप हमारे यानी कि चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसे भी देख सकते हैं। आज का हमारा रूल नंबर 13 क्या है? ए और एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एन प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। ये मिलते जुलते ही रूल है, आपको यानी कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना फर्क याद रखिए कि दोनों एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका अर्थ क्या होगा, और अगर पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसका अर्थ क्या होगा। यहां पर देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए, ठीक है, लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ है, तब क्या मानेंगे? बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्सन और थिंग। बस इतना समझना है कि जब दोनों के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हुआ है तो हम दोनों को अलग अलग मानेंगे, दोनों को अलग आइडेंटिटी देंगे। एग्जाम्पल देखिए, अ क्लर्क एंड अ कैशियर, क्या अर्थ हुआ? दो व्यक्ति जिनमें एक किरानी और दूसरा खजांची है, मतलब दो व्यक्ति है, अ क्लर्क एंड अ कैशियर, कैशियर सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लर्क सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड से दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले ए का प्रयोग किया गया है, मतलब एक व्यक्ति क्लर्क है और दूसरा कैशियर है। पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा? अ क्लर्क एंड कैशियर, तो वहां पर जो कैशियर था वही क्लर्क था और जो क्लर्क था वही कैशियर, क्योंकि फर्स्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उससे पहले ही आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एन अंकल एंड अ गार्डियन, दो व्यक्ति जिनमें एक चाचा और दूसरा अभिभावक है। क्यों, कैसे ये बात मालूम हुई हमें कि यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है? क्योंकि अंकल से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और गार्डियन से पहले भी आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो एंड से जुड़े हुए हो और दोनों से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता हो तो हमें मानना होगा कि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट से, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है। इसलिए हम जब इस तरीके का कोई सब्जेक्ट वाक्य में बनता है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यह था हमारा रूल नंबर 13। रूल नंबर 14 देखिए, जो कि आज का लास्ट रूल है।
ए इन द सेंस ऑफ सम और अ सर्टेन, यानी ए का प्रयोग होता है किस किस अर्थ में, सम के अर्थ में, कुछ के अर्थ में या सर्टेन के अर्थ में। ओके, इसका हिंदी अनुवाद क्या कर सकते हैं अपन, क्या तो कोई के अर्थ में या अज्ञात, मालूम नहीं, अज्ञात है जिसके बारे में कुछ पता नहीं, प्लस प्रॉपर नाउन। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि ए और एन का कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन तो अपने आप में खास होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, तो उससे पहले हम अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो यहां पर प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल ए का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ क्या होगा, अर्थ जो होगा वो एग्जाम्पल से आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मिस्टर ठाकुर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, हिंदी अनुवाद देखिए आप, कोई मिस्टर ठाकुर वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, मोहन नहीं होगा ये, मिस्टर ठाकुर है, ठीक है, कोई मिस्टर ठाकुर है जो तुमसे बात करना चाहते हैं या चाहता है। अब यहां पर मिस्टर ठाकुर प्रॉपर नाउन तो है लेकिन जानते नहीं है कौन से मिस्टर ठाकुर है जो तुमसे बात करना चाहते हो, सकते तुम जानते हो लेकिन मैं नहीं जानता, तो मेरे लिए वो क्या है, अज्ञात है और अननोन है, मैं उन्हें नहीं जानता हूं, उस वक्त मैं आर्टिकल ए का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कर सकता हूं। आप हिंदी अनुवाद से इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, कोई मिस्टर ठाकुर तुमसे बात करना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, कोई एक मिस्टर ठाकुर ने तुम्हारे लिए ये पुस्तक मुझे दी है, तो मेरे लिए वो अननोन पर्सन है इसलिए मैं इस यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करता हूँ प्रॉपर नाउन से पहले। इसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में बहुत आमतौर पर करते हैं, जैसे आप घर में हैं और आपके पिताजी घर में हैं और कोई बाहर पे दरवाजे पे उनको बुलाने आता है, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कहते हैं कि ये कोई है जो, एक कोई भी कोई शब्द का भी अर्थ करते हैं आप, और उसके बाद प्लस में एक प्रॉपर नाउन का भी प्रयोग कर देते हैं जो वो अपना नाम बताता है। तो आपके पिताजी के लिए तो वो नॉन हो सकता है लेकिन आपके लिए वो क्या है, अननोन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो और इसमें हमने कुछ रूल्स को कवर किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़े से कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं लेकिन इन्हें जानना भी जरूरी है, अगर यानी कि टफ लगा, यानी इनको देखकर कि थोड़े से टफ लग रहे हैं तो स्किप कर दिया जाए तो ये एग्जाम में बहुत मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि कॉमन रूल्स, जनरल रूल्स आमतौर पर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यानी कि कैक वॉक उसे ना समझिए, यानी जितने भी एक्सेप्शनल नोट्स हैं उन्हें भी आपको पढ़ना होगा, हर स्ट्रक्चर को आपको जानना होगा, तभी आप जाकर किसी भी पेपर को अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।